नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब काम में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों जावा ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर जावा में क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों रिलेशनल से आपको नाम से ही क्लियर होगा दोस्तों, ये एक दूसरे के बीच को रिलेशन को चेक करने के लिए दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, द रिलेशन ऑपरेटर डिटरमाइन द रिलेशनशिप एट दैट वन ओपन एज द अदर। तो दोस्तों इसमें बेसिकली छह प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये छह प्रकार के दोस्तों ऑपरेटर होते हैं। इसी में दोस्तों हम लोग रिलेशन को चेक करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को कोई वैल्यू को चेक करना है कि वो दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हम प्रोग्राम में यूज करते हैं 20 और 20, ये दो नंबर यूजर इनपुट करता है, इसी को हम लोग अभी प्रोग्राम में बनाएंगे 20 20 इनपुट करता है। तो ये दोनों को हम लोगों को चेक करने के लिए दोस्तों इसके बीच में रिलेशन इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा इस तरीके से है, उसके बाद दोस्तों 20 इक्वल इक्वल 20 लिखेंगे तो इक्वल इक्वल यहाँ पर दो बार लगाएंगे दोस्तों इसका सिंबल, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये इक्वल इक्वल दो बार लगाना है तब ये काम करेगा। तो दोस्तों ये हमको प्रोग्राम में बताएगा, अगर दोस्तों ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोगों को रिटर्न में आ जाएगा ट्रू। अगर दोस्तों ये वैल्यू अगर 21 यहाँ पे रहता तो दोस्तों ये हमको आउटपुट देता था फॉल्स। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे सारे छह ऑपरेटर काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखते हैं कैसे यह काम करता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें दोस्तों माइन डॉट जावा एक फाइल बना हुआ जावा के क्लास के साथ, मेन क्लास के साथ। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर करने वाले हैं। इसके सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि दोस्तों हम लोग यूजर से इनपुट ले पाए। स्कैनर यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट आई एन, इस तरीके से दोस्तों स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ तो ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इंटेलिज आइडिया ने इंपोर्ट कर दिया। अगर दोस्तों आप लोगों को इंटेलिज स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना मतलब यूजर से इनपुट लेना नहीं आता, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक दो वेरिएबल बनाता हूँ, इनपुट नम वन सॉरी यहाँ पे इंट होगा, इंट नम वन और नम टू और रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, रिजल्ट को छोड़ देते हैं दोस्तों, यहीं पे ऑटोमेटिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो प्रिंट आप पहले लगाते हैं, प्रिंट आप सॉरी प्रिंट एलन लगाते हैं, साउट लिखेंगे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक लिख के दे देगा प्रिंट एलन। यहाँ पे दोस्तों एक लगाते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, एंटर फर्स्ट नंबर, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर देंगे इनपुट नम वन इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इन। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यूजर से इनपुट आ जाएगा। फिर उसी तरीके से दोस्तों दूसरा नंबर भी इनपुट में ले लेंगे, तो इसको कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे टू कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों दो यूजर से हम लोग इनपुट में ले लेंगे। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्रिंट अप लगाते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑपरेटर आता है दोस्तों इक्वल टू, तो हम लोग यूजर से इनपुट देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नम वन इक्वल इक्वल नम टू। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस बार रन करते हैं तो देखते हैं दोस्तों हमारा यूजर आउटपुट किस तरीके से आता है। यहाँ पे दोस्तों जो पहला नंबर इनपुट करते हैं, जैसे मैं 33 कर देता हूँ, उसके बाद फिर से 33 कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये ट्रू आ गया। अगर दोस्तों मैं प्रोग्राम को फिर से रन करूँ, यहाँ पे फिर से दूसरा नंबर एंटर करता हूँ
40 कर देता हूँ और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये फॉल्स आ गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। इसलिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग सारे को चेक कर लेते हैं, सारे जो ऑपरेटर दिया गया इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिर्फ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बार नम वन पहला जो इक्वल टू आता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल का चेंज कर सकते, ऑपरेटर को चेंज कर देते, नॉट इक्वल टू कर देते हैं, नॉट इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों ग्रेटर देन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं लेस देन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सारा का सारा काम करेगा। तो इसको हम लोग फिर से रन कर देते हैं, तो दोस्तों देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे पहला जो नंबर एंटर करते हैं, मैं दोनों नंबर सेम ही एंटर कर देता हूँ 55 55। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आया पहला जो ट्रू हो गया है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो ट्रू हो गया नम वन तो 55 55 था, तो ये ट्रू हो गया, नॉट इक्वल टू फॉल्स हो गया दोस्तों, क्योंकि ये इक्वल था इसलिए दोस्तों ये फॉल्स हो गया। क्योंकि फॉल्स क्यों फॉल्स हो गया दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी 55 था इसमें भी 55 था, इसका मतलब अगर 55 नहीं रहता तो ये दोस्तों कनेक्शन ट्रू हो जाता और है तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद दोस्तों लेस देन ग्रेटर देन ये फॉल्स हो जाएगा, ये तीन दोनों फॉल्स हो गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये दोनों वैल्यू बराबर है इसलिए दोस्तों ये फॉल्स हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक करा कि नंबर वन ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू, मतलब 55 बड़ा है इक्वल बड़ा है या उससे बड़ा बराबर है, तो ये बराबर था तो दोस्तों ये दोनों कनेक्शन ट्रू हो गया। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। अगर दोस्तों ये सोर्स कोड चाहिए तो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर सीख लिए होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों सोर्स कोड वगैरह चाहिए तो आप लोग एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर दोस्तों आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कॉमेंट में जरूर पूछे, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।